हो गया। थर्ड पेपर आपका, पहला दो पेपर हम स्टार्ट कर चुके हैं, अकाउंट्स इकोनॉमिक्स, ठीक है। थर्ड पेपर आपका बिजनेस स्टडीज है, 80 नंबर मेरे और आपके हवाले, 20 नंबर स्कूल के हवाले, ठीक है। बोलना तो नहीं चाहिए सर, कॉल आ रहा सर, बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन बहुत ही बोरिंग पेपर है, ठीक है। खास करके पार्ट ए, इसको इंटरेस्टिंग बनाना मेरा और आपका काम, ठीक है। हम लोग इसको थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाएंगे, थोड़ा इसमें ह्यूमर डालेंगे, थोड़ा स्टैंडअप कॉमेडी करेंगे, सार्कास्टिक, ठीक है। हाँ, और उसके बाद फिर इसको पढ़ने पढ़ाने की कोशिश करेंगे। पार्ट ए और पार्ट बी में पूरा बिजनेस स्टडीज का सिलेबस बटा हुआ है। पार्ट ए आपको होली डेडिकेटेड है मैनेजमेंट के ऊपर, कि मैनेजमेंट क्या होता है। तो जो बच्चे आगे मैनेजमेंट को अपना ऑप्शन रख रहे हैं, कैरियर ऑप्शन, ठीक है, वो बच्चे इस सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। प्लस जो बच्चे मैनेजमेंट को अपना कैरियर ऑप्शन रख रहे हैं, वो बच्चे इकोनॉमिक्स भी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। अकाउंट्स थोड़ा कम हो चलेगा, लेकिन इकोनॉमिक्स और बीएससी अगर कम होगा तो नहीं चलेगा मैनेजमेंट के अंदर। जो बच्चे चार्टर्ड अकाउंटेंसी को अपना ऑप्शन लेके चल रहे हैं, वो बच्चे अकाउंट्स पूरा मजबूती से पढ़ेंगे। ये सब सब्जेक्ट्स आराम से भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बिजनेस जो बच्चे बिजनेस करना चाह रहे हैं, ठीक है, उन बच्चों के लिए सब किसी चीज में कोई ज्ञान नहीं है। उन बच्चों के लिए ज्ञान सिर्फ गद्दी में, हट गया क्या, ऑनलाइन क्लास हट गया, नहीं हटा नहीं होगा, वो ऊपर चला उसका दूसरा था। तो जो बच्चे बीबीए करना चाह रहे हैं, वो इन सब्जेक्ट के ऊपर अच्छे तरीके से ध्यान देंगे। जो आगे चल के बीबीए एमबीए करना चाह रहे हैं, वो इन सब्जेक्ट पर बढ़िया से ध्यान देंगे। आज हम आपको सिर्फ बैकग्राउंड का स्टडी कराएंगे, कि बैकग्राउंड आपको इस चैप्टर में, इस पूरे सिलेबस में आपको क्या करना है, कैसे इसको पढ़ना है, कैसे इसको लिखना है, और कैसे इसमें नंबर लेकर के आना है, ठीक है। दो सब्जेक्ट आपका क्लास ट्वेल्थ में आपको बहुत दिक्कत देगा नंबर लाने में, ठीक है। कहने को सबसे आसान सब्जेक्ट है पहला बिजनेस स्टडीज, दूसरा इंग्लिश, ठीक है। ये दो सब्जेक्ट आपका डिसाइडिंग फैक्टर होगा कि आपको बोर्ड में कितना नंबर आएगा। अगर आप बोर्ड में बढ़िया करना चाहते हैं तो आपको इन दोनों सब्जेक्ट पे कमांड लेके चलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये 100% वोकैबुलरी का सब्जेक्ट, मतलब इतनी सारी चीजें और इतनी सारी बातें हैं कि सारी चीजें और सारी बातें आप रट नहीं सकते। तो चीजों को आपको समझना पड़ेगा और समझ के उनको अपनी लैंग्वेज में लिखने का प्रयास करना पड़ेगा। और इस प्रयास में वो बच्चा ज्यादा अच्छा कर पाएगा जिसकी अपनी वोकैबुलरी अच्छी है, ठीक है। जिसकी वोकैबुलरी अच्छी नहीं है उसको फिर क्या करना पड़ेगा, आंसर्स को रट्टा मारना पड़ेगा, ठीक है। तो रट्टा मारने में समय जाएगा। बिहार बोर्ड वाले बच्चे हैं तो बिहार बोर्ड वाले बच्चे इन सारे टॉपिक्स को पहले समझ लें अच्छे से, क्योंकि उनका भी सिलेबस यही है। लास्ट के टाइम में जो क्वेश्चन बैंक आता है, जो मॉडल टेस्ट पेपर आता है, वो मॉडल टेस्ट पेपर हम लोग बैठ के सॉल्व करेंगे। मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व करने से आपका काम निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन आपका काम आगे चल के नहीं निकलेगा अगर आप बिहार बोर्ड के पैटर्न से पढ़ेंगे, ठीक है। तो पढ़ लीजिए पहले इस पैटर्न से, लास्ट में नवंबर दिसंबर में जब आपका बिहार बोर्ड मॉडल टेस्ट पेपर इशू कर देगा, उस मॉडल टेस्ट पेपर को लेके बैठिएगा, आपको सब क्वेश्चन समझ में आ जाएगा और आप सारा आंसर बना लीजिएगा, ठीक है। हम आपको इसमें मदद भी करेंगे। आगे बात करते हैं, हम लोग बहुत एक्सटेंसिव पढ़ेंगे। बहुत एक्सटेंसिव पढ़ने का मतलब होता है कि जितनी बातें एक एक लाइन के अंदर लिखी होंगी एनसीईआरटी के, हम लोगों का पैटर्न ऑफ स्टडी क्या होगा। तो पैटर्न ऑफ स्टडी मेरा ये होगा कि आपको एनसीईआरटी दोबारा घर पे नहीं पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। मार्केट में एनसीईआरटी के अलावा बहुत सारी किताबें हैं, जैसे संदीप गर्ग, जैसे पूनम गांधी, जैसे आर के सिंगला, ठीक है। तो ये सारी किताबें मार्केट में अवेलेबल है, जितनी किताबें मार्केट में अवेलेबल है सारी किताबें हमने देखी हुई है। सब किताबों से बेहतर अगर कोई किताब है तो वो है एनसीईआरटी, बशर्ते आपको एनसीईआरटी पढ़ने का पेशेंस आपके अंदर हो और टीचर के अंदर एनसीईआरटी पढ़ाने का पेशेंस हो, ठीक है। अगर आपके और मेरे बीच में पढ़ने पढ़ाने का पेशेंस होगा तो सबसे ज्यादा मजा आपको एनसीईआरटी पढ़ने में आएगा, बिकॉज यहां से आपको पढ़ के लगेगा कि हम कुछ पढ़ रहे हैं। बाकी किताबों ने इन्हीं चीजों को क्या कर दिया है, कॉपी, बहुत छोटा समराइज कर दिया है, पॉइंट वाइज कर दिया है, ठीक है, कॉपी कर दी है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल संदीप गर्ग का अगर हम नाम ले ले, उसने तो पूरा का पूरा एनसीईआरटी को कॉपी कर दिया, ठीक है। लेकिन हाँ, उसने क्या कर दिया, वर्डिंग्स कम कर दी, कंटेंट छोटा कर दिया, ठीक है। यही सब काम किया है। जितनी किताबें आपको कहेंगे आपको उन चीजों में समझ में आएगा।
अब एनसीईआरटी पढ़ने का क्या टैक्टिक्स होता है, क्योंकि आज पहला दिन है तो आपके पास किताब नहीं है, ठीक है, अगले दिन से आपके पास में एनसीईआरटी की किताब होनी चाहिए, ठीक है, एनसीईआरटी की किताब के साथ में आपके पास में होना चाहिए एक हाईलाइटर, ठीक है, हाईलाइटर, और दूसरा आपके पास में होना चाहिए पेंसिल, या आप अगर अपनी किताब को गंदा करना चाहते हैं तो आप पेंसिल भी लिख सकते हैं, मुझे कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। एक हाईलाइटर और एक पेंसिल के बिना आप एनसीईआरटी से बिजनेस स्टडीज नहीं पढ़ सकते हैं, ये अभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, आते हैं सबसे पहले हम लोगों को क्या पढ़ना है, तो ये आपका कोर्स कंटेंट है, ठीक है, ये आपका कोर्स कंटेंट है, आपको कोर्स कंटेंट समझ में आना चाहिए, दिखना चाहिए। इस किताब में आपके पास में 8 चैप्टर है, ऐसे हमने आपको वो भेज भी दे भी रखा है आपके पास, yes, ठीक है, कोर्स का पूरा स्ट्रक्चर, और ये 8 चैप्टर कोर मैनेजमेंट, कोर मैनेजमेंट का मतलब होता है इट इज 100% बेसिक प्रोसेसेस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। पहला चैप्टर आपको समझाएगा कि मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट क्यों होता है, मैनेजमेंट काहे होता है, मैनेजमेंट की क्या विशेषताएं हैं, मैनेजमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है, मैनेजमेंट का मेरिट क्या है, डिमेरिट क्या है, मैनेजमेंट कहाँ जरूरी है, कब जरूरी है, कितना जरूरी है, मैनेजमेंट कैसे डेवलप किया जाता है, कौन डेवलप करता है, कौन इंग्रेडिएंट्स होता है, कौन कंस्टिट्यूएंट होता है, ये सारी बातें हम लोग पहले चैप्टर में करके चलेंगे। मैनेजमेंट साइंस है, मैनेजमेंट आर्ट है, ठीक है, मैनेजमेंट सोशल साइंस है, मैनेजमेंट प्रोफेशन है, क्या बहुत सारी बातें इसके अंदर पार्ट पार्ट में करके चलनी है, उन सब चीजों को हम लोग पार्ट पार्ट में करके चलेंगे। दूसरा चैप्टर इस पूरे सीरीज का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से मिलेगा। यहाँ पे हम लोगों को दो प्रिंसिपल्स पढ़ने हैं, दो मैनेजमेंट स्कॉलर के बारे में रीड करना है, अगर ये आप रीड कर लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं, तो आपका बीबीए तक का पोर्शन एकदम आराम से निकल जाएगा, मस्ते खेलते अगर आप मुजफ्फरपुर से बीबीए करते हैं, ठीक है, आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना गारंटी है। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में हमें दो मैनेजमेंट स्कॉलर्स के बारे में जानना है, एक का नाम है हेनरी फ्योर, दूसरे का नाम है एफ डब्ल्यू टेलर, फ्रेडरिक विंसेंट टेलर। उन दोनों लोगों ने कुछ मैनेजमेंट के सिद्धांत, कुछ प्रिंसिपल्स दिए हैं, जिन प्रिंसिपल्स को हम लोगों को एक एक करके समझना है। तीसरा चैप्टर इस पूरे सीरीज का सबसे आसान चैप्टर है, ठीक है, बिजनेस इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का मतलब होता है वातावरण, वो वातावरण जिसमें बिजनेस होता है, तो भाई ये सबसे आसान चैप्टर है बिकॉज ये कॉमन कंसेंसस का चैप्टर है। उसके बाद ये 1, 2, 3, 4 और 5, ये पांचों मैनेजमेंट का मेन प्रोसेस है, मतलब मैनेजमेंट के अंदर जो मैनेजमेंट किया जाता है, तो इन पांच तरीके से इन पांच चीजों को अडॉप्ट किया जाता है, और ये इसी सीरियल में भी चलते हैं, इनका सीरियल अलग नहीं हो सकता। आप पहले ये नहीं लिख सकते कि पहले ऑर्गेनाइजिंग फिर प्लानिंग, और पहले कंट्रोलिंग फिर डायरेक्टिंग और स्टाफिंग, ऐसे आप नहीं लिख सकते। ये हमेशा किस सीरीज में चलेगा, इसी सीरीज में चलेगा, पहले प्लानिंग होगी, फिर ऑर्गेनाइजिंग होगी, फिर स्टाफिंग होगी, फिर डायरेक्टिंग होगी, और लास्ट में जाके क्या होगा, कंट्रोलिंग। तो ये पूरा अपने आप में एक एक चैप्टर है, जिनको हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, समझेंगे, प्लानिंग के अंदर क्या है, प्लानिंग क्या होता है, उसके फीचर्स क्या है। मतलब देखो, मोर और लेस इस पूरे बुक को पढ़ने का पैटर्न एक ही है, क्या, सबसे पहले उस चीज के बारे में समझा जाएगा कि वो क्या है, फिर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स समझे जाएंगे, उसके इम्पोर्टेंस को समझा जाएगा, उसके लिमिटेशंस को समझा जाएगा, मैनेजमेंट का बिजनेस में उस प्रोसेस का रोल समझा जाएगा, और लास्ट में जाकर के हम लोग उससे क्या फायदा नुकसान होने वाला है इस चीज को समझेंगे, और चैप्टर एंड होता जाएगा, ठीक है। बात यहां तक रहती तो बहुत भली बात, हम आपको लिखा देते, एनसीईआरटी बुक में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अंडरलाइन करा देते, हर एक पॉइंट का मतलब समझा देते, हर एक पैराग्राफ का मीनिंग समझा देते, चैप्टर आप समझ जाते और हम लोग निकल लेते, लेकिन मतलब यहां तक खत्म नहीं होता है, ठीक है। सीबीएसई कहता है कि भाई साहब हम सीधा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, बिहार बोर्ड का मतलब यहाँ पे खत्म हो जाएगा, बिहार बोर्ड के जो बच्चे हैं आज की सांस ले लें, ठीक है, उनको ये पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा, सारे चैप्टर समझ में आ जाएगा उनके लिए, बल्ले बल्ले, लेकिन सीबीएसई के बच्चों के लिए, सीबीएसई कहती है कि हमारे बच्चे ज्यादा स्मार्ट थे, तो उनको हम सीधा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, तो सीबीएसई के बच्चों से क्या पूछेंगे भाई, तो उनसे हम केस स्टडीज पूछेंगे, उनसे हम क्वेश्चन कमेंट्स पूछेंगे, उनसे हम उनके व्यूज पूछेंगे,
ठीक है, तो भाई कमेंट करना, व्यूज लिखना, व्यूज में ऐसा नहीं लिख सकते आई डोंट वांट टू गिव व्यूज, ऐसा लिखेंगे तो कोई वाली बात नहीं सर, मेरा मन नहीं है, क्यों लिखे धीरे बोले, मेरा मन नहीं है, मन नहीं देंगे, गाय हमारी माता हमें कुछ नहीं आता, गाय हमारा बाप का नंबर देगा, सीधा सवाल है, तुम तेज तो उठेट भाई, तो सीबीएसई वाले बच्चों को एक दिक्कत आ जाएगी कि दे हैव टू construct their opinion, they have to write their views, they have to develop the answers to the case studies, और यही पर मामला, ये subject बहुत high level हो जाता है, ठीक है, और फिर ये subject चाहता है कि पहले हम इसको पढ़ें, फिर हम इसको समझें, फिर हम इसको interpret करें, और फिर हम इसको communicate करें, क्योंकि जब आप अपने व्यूज लिखेंगे इसका मतलब आप सामने वाले को क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, समझाने, अपने व्यूज, अपना नजरिया बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, तो नजरिया बताने के लिए ये सबसे जरूरी है कि भाई साहब आपके पास में उस नजरिए का पर्सपेक्टिव होना चाहिए, आपको वो पूरा का पूरा समझ में आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जब तक आपको चीजें समझ नहीं आएंगी आप अपना नजरिया समझा नहीं सकते। अब दिक्कत कहाँ आ जाती है, दिक्कत आ जाती है कि ये सब्जेक्ट जो है ना, ये सब्जेक्ट बड़ा कॉमन सा सब्जेक्ट है, मैनेजमेंट हर आदमी को लगता है कि मैनेजमेंट में हम पंडित हैं, ठीक है, हमको सब आता है मैनेजमेंट के अंदर और मैनेजमेंट, हाँ, लेकिन जब आप लिखने चलेंगे, जब आप लिखने चलेंगे तो आप लिख नहीं पाएंगे, ये बड़ी बड़ी विडंबना है इस पूरे सब्जेक्ट, ठीक है, आपसे कोई बोलेगा प्लानिंग कितना आसान है, प्लानिंग बंक मार के रूपी देखने जाना इज अ प्लानिंग, लिखो लेकिन लिखेंगे कैसे, ठीक है, यहाँ पे आकर के सारे विद्वान क्या हो जाते हैं, पहले हमने सोचा आ जाए कि भाई आप लोगों का जो मेरे से बेहतर आप प्लान कर लेंगे बंक मार के मूवी देखना, ठीक है, अब पांडे जी को अगर बंक मार के मूवी देखने जाना है, हाँ, जाना है उनके साथ अब देखिए प्लानिंग प्लानिंग ऐसे ही हम समझेंगे, ठीक है, पूरा चैप्टर समझ जाएंगे, लेकिन जब लिखने की बारी आएगी पहले हम उनको मैसेज किए कैसी हैं आप, गलत कह रहे हैं, प्लानिंग में उसने पीछे से नहीं काम होता है, प्लानिंग में एग्जैक्ट पॉइंट से काम होता है, 9 से 12 का शो देखना है मॉर्निंग वाला, हाँ चलो ठीक है, इवनिंग वाला नहीं देख सकते पर उसी मिल जाएगा, तो मॉर्निंग वाला देखेंगे, नाइट वाला भी तो देख सकते, नाइट वाला कोचिंग नहीं होता है ना, वे अलाउ नहीं होगा ना, पांडे जी का क्लास नाइट का क्लास होता है, पता चलेगा पापा भी पहुंचे हुए नहीं, नहीं वापस आएंगे तो पापा पिट्ठी तोड़ देंगे, तो मॉर्निंग वाला शो 9 से 12 मेरा ही क्लास बंद करेंगे, ठीक है, मान लिया अब पांडे जी ने प्लान किया, अब मान लिया कि सिनेपोलिस जाना, देखिए कितना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, पांडे जी ने प्लान किया कि ऑफेंड नहीं करेंगे कोई बच्चे, हम ऐसे ही पढ़ाते हैं, ठीक है, तो पांडे जी ने प्लान किया, पांडे जी इसको बिल्कुल ही गलत मत समझिए, इन्होंने प्लान किया कि 9 से 12 सिनेपोलिस जाना है, ठीक है, पांडे जी रहने वाले सब पूरा के पड़ोसी रहने वाला कहीं और का है, ठीक है, सपोज सपोज करते हैं कि पड़ोसी रहने वाला भगवानपुर का है, अरे ठीक है, तो कोई टेंशन नहीं है, भगवानपुर से यहाँ तक ऑटो से आगे पूरा मेरा प्लानिंग समझो, बीच में तुम लोग बोलो मत, पूरा प्लानिंग सर, प्लानिंग के लास्ट में लोग यही पोक कर सकते हैं ना, कहाँ से प्लान फेल हो सकता है, अरे सारी चीजें करेंगे तो करना है, रात में मैसेज हुआ, सेट हो गया, 9 से 12 का शो देखना है, ठीक है, टिकट पांडे जी ने ऑनलाइन खरीद लिया, एक कॉपी उनको स्क्रीनशॉट भेज दिया, आगे बढ़ते हैं, सुबह हुई, पांडे जी उठे बढ़िया से नहाए धोए, जेलून लगाए बाल में एक नंबर, ठीक है, कपड़ा ऊपर बढ़िया से डीओ को लगाए, पांडे जी निकल के मिठनपुरा चौक चले गए, मिठनपुरा चौक के पास खड़े हुए मस्जिद के सामने, क्योंकि प्लान ये हुआ था कि पड़ोसी वहां तक आएगा, उसके बाद वो ऑटो से उतर जाएगा, उसके बाद दोनों दूसरे ऑटो में चलेंगे, जो कॉमन सा प्लान है, इट इज अ प्लान, अभी हम इसको बिजनेस पे शिफ्ट कर देंगे, ठीक है, अभी तुम्हारा और चलो बिजनेस शिफ्ट हो जाएगा, फिर वहां से प्लान हुआ कि देखो सिनेपोलिस के सामने मेरे चाचा के मोबाइल की दुकान है, तो पांडे जी ने बोला कोई बात नहीं, हम 2 मीटर पहले उतर जाएंगे, तुम आगे हम पीछे, उसके बाद तुम अंदर चले जाओ, हम सीट नंबर तो पता ही, आके बैठ जाएंगे,
नौ से बारह में कुछ और दिक्कत हो सकती है, नौ से बारह में और कोई दिक्कत तो होगी नहीं। ये मान लो तुम्हारा कोई दोस्त मिल जाए, मेरा कोई दोस्त मिल जाए, ठीक है, तो मास्क दोनों हाथ में लगा लेंगे, कोरोना आगे वाले मूवी भी देख लेंगे, पांडे जैसे भी खर्चीले आदमी नहीं है, पॉपकॉर्न नहीं खाएंगे। तो भैया मूवी देखने आए तो पॉपकॉर्न तो खाना ही पड़ेगा। तो पांडे जी बोलेगा ठीक है, बहुत सारा रेस्टोरेंट, बारह बारह बजे तो ऑलमोस्ट रेस्टोरेंट तो खुल ही जाता है, बगल में मोमो नेशन कैफे है वहाँ चले, ठीक है, 80 रुपए में एकदम चिकन फ्राई में बोलते हैं खा लेंगे। उसके बाद का प्लान देखिए, उसके बाद अब 12 बज चुका है, खतरा बढ़ चुका है, अब सब बाहर किसी के भी पकड़ाने का खतरा बहुत ज्यादा है, ठीक है, वो भी पकड़ा सकते हैं और पड़ोसी भी पकड़ा सकते हैं। तो पांडे जी बोलेंगे देखो ऐसा करेंगे, हम एकदम सुटेबल काम करेंगे, मेरा घर सब पूरा में, हम स्पॉट पार कर लेंगे, ठीक है, पटरी पार करेंगे हम सब पूरा, तुम ऑटो पकड़ना भगवान। प्लानिंग से एग्जीक्यूट हो गया, अगले दिन ये प्लानिंग एग्जीक्यूट हो गया, एग्जीक्यूट हो गया तो भाई हम प्लानिंग से आगे आ गए ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग आप प्लानिंग में सारी चीजों को अपने माइंड में बिठा चुके हैं, ऑर्गेनाइजिंग में आप उन चीजों के हिसाब से सारा इन्वायरमेंट क्या कर रहे हैं, क्रिएट कर क्या दर्शन साहब, इसी को बिजनेस में काम कर देना। तो मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट क्या है समझाए, मैनेजमेंट इज प्लानिंग प्लस ऑर्गेनाइजिंग विद स्टाफिंग डूइंग द डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग द बिजनेस। प्लानिंग करके चीजें ऑर्गेनाइज करेंगे, ऑर्गेनाइजिंग के हिसाब से स्टाफ लाएंगे, स्टाफ को डायरेक्ट करेंगे और डायरेक्ट करने के बाद बिजनेस एक्टिविटी को कंट्रोल करेंगे, मेरा बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, समझने में कोई दिक्कत। तो भाई ये तो समझ में आ गया कि मैनेजमेंट चालू होता है प्लानिंग से, लेकिन उसके ऊपर ही तीन चैप्टर क्या है। तो भाई सबसे पहले ये कि मैनेजमेंट होता क्या है, तो मैनेजमेंट का पूरा कंजेक्चर, कंजेक्चर का मतलब होता है आउटलाइन, ठीक है, पूरा आउटलाइन हमको कहां पढ़ना है पहले चैप्टर में। दूसरे चैप्टर में हम लोगों को वो जनरल प्रिंसिपल्स पढ़ने हैं, जनरल, ठीक है, मतलब आम प्रिंसिपल्स, मतलब सिद्धांत, जिनको फॉलो करने से मैनेजमेंट बढ़िया हो सकता है, या वैसे प्रिंसिपल्स जो मैनेजमेंट के अच्छे होने की एश्योरेंस देते हैं, उन प्रिंसिपल्स को हम लोगों को पढ़ना है। या इस तरीके से आप अपने माइंड को समझाएं कि वो प्रिंसिपल्स जो अगर फॉलो किए जाएं, जो अगर फॉलो किए जाएं तो मैनेजमेंट करना आसान हो सकता है, ठीक है, इस चैप्टर में ये पढ़ना है। तीसरा चैप्टर पढ़ना क्यों जरूरी है, क्योंकि भाई बिजनेस जो है ना वो इन्वायरमेंट में, बिना इन्वायरमेंट का बिजनेस हो सकता है। आपको कोई बोले कि चले जाओ कहा इंडियन ओशन में और वहां साड़ी की दुकान खोल लो, कोई तुमको बोले कि चले जाओ एनएच पर और एनएच पे जाकर के तुम क्या करो, एनएच पे जाकर के चाय तो चलो कम से कम बिक भी जाएगी, एनएच पे जाकर साड़ी बेचो, नहीं बिकेगा, ठीक है। तो भाई इन्वायरमेंट को रीड करना इसलिए जरूरी है बिकॉज बिजनेस इज कंडक्टेड इन इन्वायरमेंट। बिजनेस कहाँ होता है, इन्वायरमेंट में। अगर आपको इन्वायरमेंट का एनालिसिस करना नहीं आता है, इन्वायरमेंट को समझना नहीं आता है, इन्वायरमेंट को सीखना नहीं आता है, परखना नहीं आता है, तो आप चाहे कोई भी मैनेजमेंट का टेक्निक लगा लीजिए, कभी भी आपका बिजनेस सक्सेसफुल नहीं होगा। तो इन्वायरमेंट पढ़ना जरूरी है, कितने तरह का इन्वायरमेंट होता है, इंटरनल इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, सोशियो इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट, कल्चरल इन्वायरमेंट, रिलीजियस इन्वायरमेंट, बहुत सारे तरह के इन्वायरमेंट है, बहुत सारी चीजें हम इसके अंदर पढ़ेंगे। वो सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो हमारे बिजनेस को कहीं ना कहीं इफेक्ट करते हैं, वो दिक्कत याद समझ में। तो ये पूरा कोर है, इसको पढ़ने के बाद ही ये समझ आएगा, इसको पढ़ने के बाद ही ये समझ आएगा, और ये सारे तो ऑलमोस्ट कनेक्टेड ही हैं, इनमें से किसी भी टॉपिक को आप बीच से उठा के नहीं पढ़ सकते, ठीक है, आपको नहीं समझ में आएगा, अगर समझ में आ भी गया तो पूरी समझ आपकी डेवलप नहीं हो पाएगी, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं पहले चैप्टर के ऊपर जो कि हम लोगों को स्टार्ट करते हैं। Thank you.
एनसीईआरटी हमेशा चैप्टर का प्लॉट बना के चलता है। एनसीईआरटी किसी भी चैप्टर को डायरेक्ट आपके लिए इंट्रोड्यूस नहीं करता है, ठीक है? और एनसीईआरटी का प्लॉट जो होता है वो प्लॉट हमेशा पढ़ना जरूरी नहीं होता, लेकिन हाँ जब बिगिनिंग होता है, जब कोई सब्जेक्ट नया इंट्रोड्यूस होता है तो एनसीईआरटी का प्लॉट पढ़ना चाहिए, बिकॉज उससे आपको एक बेसिक आइडिया मिलता है। और यही वजह है कि एनसीईआरटी पढ़ना थोड़ा मुश्किल पड़ता है। अब आप बोलेंगे सर क्वेश्चन कहां से आएगा, तो क्वेश्चन 110% एनसीईआरटी से आएगा। आप इसको लिख के रख लीजिए, साइन करके रख लीजिए। एक भी क्वेश्चन अगर आपका एनसीईआरटी से इधर से उधर हो गया तो हम यही हैं, आ जाइए, ठीक है? एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो एनसीईआरटी के बाहर जाएगा। हाँ, फिर आप बोलेंगे कि सर हम लोग साइन क्यों पढ़ते हैं, प्रैक्टिस मटेरियल क्यों पढ़ते हैं, स्टडी मटेरियल क्यों पढ़ते हैं, प्रैक्टिस सेट क्यों बनाते हैं? तो भाई क्वेश्चन के पैटर्न को एनालिसिस करने के लिए, ठीक है? क्योंकि एनसीईआरटी इज अ डायरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है? एनसीईआरटी में डायरेक्ट स्टेटमेंट होता है, यहां से क्वेश्चंस कैसे फॉर्म होंगे उसके लिए हम लोगों को स्टडी मटेरियल और प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सैंपल पेपर ये सब क्या करना पड़ता है देखना, क्लियर है? अब आंसर्स कैसे लिखे जाएंगे, तो हम पहले दिन बोल रहे हैं और आखिरी दिन तक यही बात बोलेंगे कि आंसर में जितने भी पॉइंट्स लिखे जाएंगे उनमें से कोई भी पॉइंट एनसीईआरटी के बाहर का नहीं लिखना है, नहीं लिखना। ये नहीं बोला नहीं लिखिएगा, हम बोले नहीं लिखना है। सर अभी आप बोले थे क्रिएट करके लिखना है, कंटेंट, कंटेंट आप नहीं कर सकते। पॉइंट आप वही लिखेंगे जो एनसीईआरटी, जैसे फॉर एग्जांपल एक बात हम बोलते, सिंपल सी बात बोलते हैं, मैंने एक बोला, मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा तो मैं बोलूंगा मैनेजमेंट इज अ यूनिवर्सल अप्रोच, ठीक है? ये एनसीईआरटी का लाइन है। हाँ, इसके अंदर एनसीईआरटी ने जो बात कही है वो लिख पाना आपके लिए पॉसिबल नहीं। तो मैनेजमेंट इज अ यूनिवर्सल अप्रोच का क्या मतलब होता है, इसको तो आप अपनी लाइन में लिखेंगे ना, समझ रहे? अब जब आगे चैप्टर्स में बढ़ेंगे ना तो यू विल गेट टू नो कि कैसे पॉइंट्स लिखे हो, ठीक है? पॉइंटर्स आपको एनसीईआरटी के ही लिखने हैं, चाहे कोई आपको कुछ भी कह दे, कोई भी कुछ भी कह दे, कोई कह दे आर के सिंगला पढ़ लीजिए, कोई कह दे पूनम गांधी पढ़ लीजिए, कोई कह दे आपको आप कोई भी किताब पढ़ लीजिए, संदीप दत्त पढ़ लीजिए, आप पढ़ लीजिए बेशक, कोई दिक्कत नहीं है। अपनी समझ को आसान करने के लिए पढ़ लीजिए, आपको लगता है मेरे पास टाइम है पढ़ लीजिए, ठीक है? लेकिन लिख के बताइएगा, लिख के आइएगा। हम ये नहीं कह रहे कि आपको मार्क्स कम आएगा, लेकिन आपको मार्क्स 95 क्रॉस नहीं करेगा, 90 से क्रॉस नहीं करेगा अगर आप एनसीईआरटी का मैटर लिख के नहीं आए, ठीक है? बिकॉज एनसीईआरटी का मैटर मोस्ट प्रेफरेबल है। क्वेश्चन कैसे पूछता है हम बताते हैं आपको, इसलिए चैप्टर फाइनेंशियल मैनेजमेंट ही पढ़ेंगे। आइए हम आपको क्वेश्चन पूछने का एनसीईआरटी का टैक्टिक्स दिखाते हैं। Thank you.
ये वाला तुम्हारा पार्ट बी का चैप्टर है, पार्ट ए के अलावा पार्ट बी का ये फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है। हम ये बोल रहे थे तुमको एनसीईआरटी क्वेश्चंस कहां से, सीबीएसई क्वेश्चंस कहां से पूछता है, ठीक है। ये एनसीईआरटी का पैराग्राफ चल रहा है, पैराग्राफ नॉर्मल, ठीक है। इस नॉर्मल पैराग्राफ में एक क्वेश्चन है, फ्लोटेशन, एक पॉइंट है, एक वर्ड है इवन, ठीक है। वो वर्ड है क्या, फ्लोटेशन कॉस्ट। हम ये खोज रहे थे, मिल नहीं रहा फ्लोटेशन कॉस्ट, ठीक है। एनसीईआरटी के विद इन द लाइन एक वर्ड लिखा हुआ है, फ्लोटेशन कॉस्ट, ठीक है। इस पॉइंट से ऐसे ऐसे पॉइंट से क्वेश्चन आता है, ऐसे ऐसे पॉइंट से क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन आया कब, ये क्वेश्चन आया 2010 के पेपर, जब हम पेपर दे रहे जी, तीन नंबर का, व्हाट इज फ्लोटेशन कॉस्ट। और एक और क्वेश्चन आया तीन नंबर का, व्हाट इज ब्रिज फाइनेंसिंग, ठीक है। वो शायद शब्द अभी एनसीईआरटी में नहीं है, या हम ये वाले जब चैप्टर पढ़ाएंगे जहां पे होगा वो हम आपको बताएंगे, ठीक है। ये वाला तीन नंबर का क्वेश्चन तो हम बना दिए, फ्लोटेशन कॉस्ट कौन को आता था, ठीक है। एक क्वेश्चन आया ब्रिज फाइनेंसिंग, स्पेलिंग होता है BRIDGE फाइनेंसिंग, ठीक है। ये क्वेश्चन भी तीन नंबर में आया है, और ये भी ऐसे ही कहीं पे बीच लाइन में लिखा हुआ है, बीच लाइन में, मतलब बुक के अंदर जब हम वापस एग्जाम देकर के आकर के खोजे बुक को, तो बुक के अंदर कहीं पे ये बीच लाइन में लिखा हुआ था, ब्रिज फाइनेंसिंग, ठीक है। तीन नंबर का क्वेश्चन आया, और वो पूरा का पूरा मेरा तीन नंबर का क्या होगा टॉपिक, छूट गया पूरा का, बिल्कुल 100 में से तीन नंबर का क्वेश्चन छूट गया, हम लिख के ही नहीं आए 97 नंबर। अपने मन से कुछ लिख के आए होंगे, ऐसा तो नहीं छोड़ के आए होंगे, लिख के तो जरूर आए होंगे,
ठीक है, लेकिन वो एकदम आउट ऑफ द बॉक्स लिख के आए हैं तो उसमें कुछ नहीं। लेकिन ये भी तो सोचो, जब सर को 97 आया तो सर को नहीं आ रहा है तो किसी को भी नहीं आ रहा होगा ना। उस टाइम उस पूरे अटेम्प्ट में जितने बच्चे मेरे जानने में थे, जितने मेरे फ्रेंड लोग थे, किसी को 100 नंबर बिजनेस स्टडीज में नहीं आया। 98 वाज द हाईएस्ट, 98 नंबर हाईएस्ट। हाँ, मेरे ग्रुप में बहुत सारे, क्योंकि उस टाइम बहुत सारे टीचर्स नहीं थे तो एक क्लोज नेट ग्रुप था, हम लोग जानते ही थे ऑलमोस्ट हम लोग सभी लोगों को जो कॉमर्स में होते थे। ठीक है, उस टाइम कॉमर्स उतना ज्यादा फेमस भी नहीं होता, इधर 10 सालों में बहुत ज्यादा गिना चुना हुआ 10 तो बहुत गिने चुने स्टूडेंट होते थे, ऑलमोस्ट सभी एक दूसरे को जान रहे होते थे। तो भाई उस साल मेरे हिसाब से किसी को 98 से अबव नहीं आया, 98 वाज द हाईएस्ट इन दिस। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट करें अगर आप सीबीएसई से पेपर देंगे तो, ये मेरे कहने का मतलब है। अब आप बोलेंगे सर इतने से पॉइंट के लिए हमको पूरी किताब पढ़नी पड़ेगी, तो भाई साहब मैंने आपको पहले भी कहा है ये डिस्क्लेमर, 50 नंबर लाना बहुत आसान है, 70 नंबर लाना मुश्किल है, और 90 को क्रॉस कराना सर 80 का आ गया सर 80। 70 का मतलब क्या कि मिडिल लेवल में नंबर लाना, ठीक है, 90 क्रॉस कराना टफ टास्क है, टफ टास्क है भाई साहब। 90 क्रॉस कराने के लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा और साथ में टीचर को भी बहुत मेहनत करना पड़ेगा, दोनों लोग को मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर पढ़ेंगे तो आपको डाउट होगा और जब आपको डाउट होगा तो आप मेरे पास लेके आएंगे उसका सॉल्यूशन कराने के लिए। ठीक है, अब हम लोग बेसिकली इस चैप्टर को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं आपके साथ में। इंट्रोड्यूस करने के बाद जब हम आपको समझा पाएंगे कि मैनेजमेंट क्या होता है तो हम HCL के मैनेजमेंट के केस स्टडी पर आके आपको पढ़ाएंगे कि HCL का मैनेजमेंट कैसे किया। ठीक है, क्योंकि HCL इंडिया की एक बहुत ही सक्सेसफुल कंप्यूटर कंपनी है। ठीक है, तो हम समझेंगे। और ये कंपनी इंडिया में स्टार्टिंग टाइम में जब कंप्यूटर इंट्रोड्यूस हो रहा था उस समय से इंडिया को सर्विस दे रही है और अभी भी इंडिया को सर्विस दे रही है। ठीक है, क्वालिटी वाइज इसके प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे होते हैं अभी भी। आइए हम लोग का पढ़ने का ढंग होगा थोड़ा अलग। एनसीईआरटी में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, ठीक है, जो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट होती है। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है जिसका चैप्टर से बहुत सीधा रिलेशन नहीं होता है, हमें वहां से पिक एंड चूज करना पड़ता है जो अपने काम का मामला है, जो अपने काम की बात है। और ट्वेल्थ में आपको सबसे पहले डेफिनेशंस पे बात करनी पड़ेगी, क्योंकि बोर्ड में अगर आपको कोई आंसर लिखना है और उसमें आप अगर डेफिनेशन लिखते हैं तो भाई आपके आंसर की क्वालिटी क्या हो जाएगी, अच्छी अच्छी मानी जाएगी। ठीक है, तो मैनेजमेंट क्या होता है इसका कंसेप्ट समझने से पहले हम लोग एक दो डेफिनेशन और एक दो मैनेजमेंट थिंकर का नाम आप अपने माइंड में याद रखिए, जो आगे चल के आपको बहुत यूजफुल होंगे अपने आंसर्स फ्रेम करने में। और उन मैनेजमेंट थिंकर्स में सबसे बड़ा नाम यहाँ सर लग भी रहा है बड़ा है वेट वाला नाम। ठीक है, पहला नाम है हैरोल्ड कुंट्ज। हो गया सर, वही सेम सेम एकदम सेम आपी वाला सेम। इन्होंने मैनेजमेंट को डिफाइन किया, क्या डिफाइन किया बच्चा, देखिए मैनेजमेंट में को इन्होंने कैसे डिफाइन किया इसको समझिए। ये बोलते हैं मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ, मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, आपको समझना पड़ेगा बच्चों, दिमाग खोल के समझना पड़ेगा। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, प्रोसेस का मतलब होता है सीरीज ऑफ स्टेप। प्रोसेस का मतलब क्या होता है सीरीज ऑफ स्टेप्स।
आपका मैनेजमेंट कोई एक काम नहीं, इसके अंदर बहुत सारे स्टेप्स को हम लेके चलते हैं. इट्स अ प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग. अब यही आपकी बुक होती ना तो आप लिखते चलते, ठीक है. तो कल से अगर आपके पास बुक होगी तो आपके लिए लिखना आसान होगा, ठीक है. और जब ये एनसीईआरटी की बुक पूरी रगा जाएगी, रंग जाएगी पूरी किताब, ठीक है, कहीं पेंसिल, कहीं पे पेन, कहीं पे मीनिंग, कहीं पे वर्ड का अंडरलाइन, कहीं पे लाइन अंडरलाइन, तो जाकर के आप सारा कंसेप्ट कवर पाएंगे. अगर आपकी बीएसटी की बुक रंगी नहीं, इसका मतलब आप बीएसटी पढ़े नहीं. सिंपल सा हिसाब है, ठीक है सर. क्या वो हाइलाइटर खत्म हो जाता है? एक तो हो ही जाएगा. मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ, मतलब इट्स अ सीरीज ऑफ स्टेप्स. किस चीज में आप लेंगे? ऑफ डिजाइनिंग एंड मेंटेनिंग. डिजाइनिंग का मतलब होता है बेटा बनाना, और मेंटेनिंग का मतलब होता है बनाए रखना. डिजाइनिंग एंड मेंटेनिंग, क्या डिजाइन कर रहे हैं, किस चीज को मेंटेन करना है. एंड एनवायरमेंट, एक ऐसा वातावरण, ठीक है, इन विच, जिसमें इंडिविजुअल्स मतलब लोग, एक एक व्यक्ति, इंडिविजुअल्स मतलब बहुत सारे व्यक्ति, इंडिविजुअल का मतलब एक व्यक्ति, इंडिविजुअल्स मतलब बहुत सारे लोग, कॉमा आगे कुछ दूसरी बात करना चाह रहा है, वर्किंग टुगेदर, मतलब मैनेजमेंट एक वो सीरीज ऑफ स्टेप्स है जिसमें हम डेलिबरेटली जानबूझकर एक ऐसा एनवायरमेंट डिजाइन करते हैं और उसको डिजाइन करके मेंटेन करने की कोशिश करते हैं जिसमें बहुत सारे इंडिविजुअल्स एक साथ काम करें, वर्किंग टुगेदर, एक साथ काम करें इन ग्रुप्स. कैसे? अलग अलग या साथ मिलके? साथ मिलके ग्रुप बना के. फिर कॉमा है, इफिशियंटली अकम्प्लिश सेलेक्टेड एम्स. अकम्प्लिश का मतलब होता है कंप्लीट करना, पूरा करना. सेलेक्टेड एम्स, एम्स का मतलब अपना ये सर, क्या कहते हैं, लक्ष्य, लक्ष्य, ठीक है, बोलता है. अब ये जब हमने इसको रिड्यूस कर दिया, अब इसको आप कोलैक्ट कर दीजिए. कोलैक्ट करने का मतलब अब कलेक्ट करके समझने की कोशिश कीजिए. तो बोलता है हैरोल्ड पुंट्स और हिंस विचरिच ने जो डेफिनेशन दिया, सबसे सिंपलेस्ट डेफिनेशन, उन्होंने बोला कि भैया मैनेजमेंट क्या है. तो मैनेजमेंट एक ऐसा सीरीज ऑफ स्टेप है जो कि लिया जाता है, किया जाता है, जिसके अंदर हम एक ऐसा वातावरण बनाने की कोशिश करते हैं, एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाने की कोशिश करते हैं. कहाँ बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, कहाँ बनाने की सिस्टम में, कहीं भी, किसी भी सिस्टम में काम हो रहा है, ठीक है, किसी भी काम के सिस्टम में, चाहे वो पांडे जी की शादी हो, चाहे बिजनेस का काम हो, कहीं भी, एनीवेयर, जहां भी हमें कितने लोगों को रखना है, एक से ज्यादा लोगों को रखना है, इसीलिए वर्ड क्या आया, बोलता है मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड मेंटेनिंग. डिजाइनिंग एंड मेंटेनिंग एन एनवायरमेंट इन विच इंडिविजुअल्स कॉमा वर्किंग टुगेदर, साथ में काम करेंगे इन ग्रुप्स. कैसे? अकेले अकेले काम करेंगे क्या? नहीं, साथ में ग्रुप बना के काम करेंगे. कॉमा एफिशियंटली अकम्प्लिश, efficiently accomplish, accomplish का मतलब complete करना, efficiently का मतलब होता है अच्छे तरीके से, प्रभावशाली तरीके से, ठीक है, for selected games, efficiently accomplish selected games, मतलब जो काम हमने पहले तय किया था वो अच्छे तरीके से पूरा हो जाए. बोलिए भाई, समझ में आया? कोई दिक्कत समझ में? पहला डेफिनेशन, ठीक है. अब हिंदी में क्या हुआ इसका मतलब? बोलता है मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बहुत सारे स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं, जिसके अंतर्गत हम एक ऐसा वातावरण बनाने की कोशिश करते हैं और उसको बनाए रखने की कोशिश करते हैं जिसमें बहुत सारे इंडिविजुअल्स ग्रुप में काम करें और पहले से जो उनको एम पता है कि इस एम को पूरा करना है, उस एम को पूरा करने के लिए सही तरीके से काम करें और उसको अच्छे से कम्प्लीट करें. यही मैनेजमेंट, आप सोच के देख लीजिए, ठीक है. अब आइए हम इसको लाइव एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है. लाइव एग्जांपल में मान लिया कि आज पांडे जी की शादी है, रिसेप्शन है, शादी बहुत बार शादी बहुत बार, ठीक है, शादी हो गई है, आज रिसेप्शन है. तो सबसे पहले मेरे पास में सेलेक्टेड एम है कि रिसेप्शन में जितने लोग आए सब अच्छे तरीके से एंजॉय करें, खाए पिए और जाएं, ठीक है. कोई चाओस नहीं होना चाहिए. चाओस का मतलब होता है भगदड़,
ठीक है, मतलब कुछ आने इवेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे हर्ष अगर मान लो कि पांडे जी के रिसेप्शन में आया तो जाने के बाद घर जाकर के अपने मम्मी को बोले बड़ा मस्त इंतजाम था, ठीक है, एक नंबर दवा के खाए और साथ में पिए, ठीक है, क्या पिए, पानी, तो पानी, तो इसकी मम्मी पता क्या बोलेगी, हाँ सही बात है, मैनेजमेंट अच्छा रहा हो। आप ये कॉमन पेरेंट्स की वर्ड का हमेशा यूज करते हैं, यस सर, ठीक है। कोई भी कोई शादी विवाह में गया, उसको मान लो खाना नहीं मिला, रात में 11 बजे बेचारा भूखे आ गया, कितना गंदा मैनेजमेंट है। यही वर्ड यूज करते हैं, कितना फोकस बच्चा है। तो मैनेजमेंट कहीं भी हो सकता है, जहां आपको एक से ज्यादा लोगों को साथ में मिलके एक ही गोल को अचीव करना है, जहां मल्टीपल इंडिविजुअल्स आर कनेक्टेड टुगेदर इन ऑर्डर टू कंप्लीट अ पार्टिकुलर सिलेक्टेड एम, वहां आपको मैनेजमेंट करना पड़ेगा। बिकॉज एक पार्टिकुलर एम को अचीव करने के लिए आपको सिर्फ एक तरह का काम नहीं करना है, आपको बहुत तरह का वर्क करना पड़ता है, और एक व्यक्ति सारा काम कर ले ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम लोग सब आदमी मिलकर करवाएंगे। तो इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए या बिजनेस को चलाने के लिए या किसी भी ऐसे संगठन को चलाने के लिए, किसी भी ऐसे काम को करने के लिए जहां मल्टीपल पर्संस हैं, हमें वहां मैनेजमेंट की जरूरत है, ताकि हर व्यक्ति उसको जो काम असाइन किया गया है, काम दिया गया है, वो अपना काम सही तरीके से करे, पहली बात। और दूसरा, जब सब लोग अपना अपना काम करें तो हमारे पास में एक कलेक्टिंग फोर्स होना चाहिए। कलेक्टिंग फोर्स मतलब जो हर व्यक्ति के काम को एक साथ में क्या करे, कलेक्ट करे और उसको इस डायरेक्शन में ड्राइव करे कि जो हम लोगों का एम था वो एम क्या हो जाए, क्लियर। अब जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल मान लो कि कोई मैरिज सेरेमनी, तो उसमें लोग प्लान करता है ना कि ये बंदा कैटरिंग देखेगा, ये बंदा लाइटिंग देखेगा, ये बंदा म्यूजिक देखेगा, ठीक है, ये बंदा गेस्ट देखेगा, ये बंदा ये काम करेगा, ये बंदा वो काम करेगा, और उसमें से अगर कोई भी प्रोसेस खराब हुआ, कोई भी प्रोसेस अगर खराब हुआ तो क्या होगा उसका रिजल्ट, ठीक है, उसका रिजल्ट यही होगा कि पूरा व्यवस्था कम्प्लीटली क्या हो जाएगा, ठीक है। और तब हम लोग एक शब्द बोलेंगे कि मैनेजमेंट ठीक नहीं था, तो मतलब समझना तो पड़ेगा कि मैनेजमेंट क्या है। तो यही जो प्रोसेस है, जो सारे एक्टिविटीज को कनेक्टेड रखता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट, ठीक है। चाहे ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हो, चाहे ये नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हो, चाहे ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में हो, चाहे ये घर में हो, चाहे ये स्कूल में, कहीं भी, everywhere there is a need of management, and management comes into play when there is more than one individual involved in completion of a particular goal. अगर एक व्यक्ति को करना है तो उस चीज में management की उतनी जरूरत नहीं है जितना multiple व्यक्ति को करना है तो management की जरूरत, because हर आदमी के काम करने का तरीका अलग, हर आदमी के सोचने का तरीका अलग, हर आदमी के किसी काम को अप्रोच करने का तरीका अलग, लेकिन जो गोल है वो एक। तो इस पूरे बिजनेस स्टडीज के चैप्टर्स में हमें अपना फोकस बिजनेस मैनेजमेंट की तरफ रखना है, ठीक है। हम सोशियो कल्चरल डोमेस्टिक हाउसहोल्ड मैनेजमेंट की तरफ कोई बात नहीं करेंगे, हम जो बात करेंगे वो किस तरफ करेंगे, हम सारी बात करेंगे बिजनेस मैनेजमेंट की तरफ। जितने डेफिनेशंस हम पढ़ेंगे सब बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे, जितनी थ्योरीज हम डिस्कस करेंगे सब बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। हाँ, एग्जांपल लेने के लिए या अपनी कंसेप्ट आपको समझाने के लिए हम लोग नॉर्मल कॉमन सोसाइटी का एग्जाम्पल ले सकते हैं, ताकि चीजें आपको आसानी से समझ में आ सके। तो पहला डेफिनेशन आपको समझ में आया, yes, sir. ठीक है, आपको डेफिनेशन का जब तक मतलब नहीं समझ में आएगा बच्चा, आप डेफिनेशन रट नहीं सकते हैं।
और आपको एक ना एक डेफिनेशन याद जरूर करना पड़ेगा, क्लियर है? क्योंकि जब आप अपना आंसर फ्रेम करना चालू कीजिएगा तो भाई हम बाद में ना चल करके लिखना चालू करते हैं कि भाई इन आवर वर्ड्स वी कैन से दैट, हेंस वी कैन से दैट, दस वी कैन से दैट, ठीक है? लेकिन पहले लाइन से हम बात बनाना नहीं चालू कर सकते, पहले कुछ लाइन में हमें सटीक बातें लिखनी पड़ती है, ठीक है? नहीं तो आंसर आपका लगेगा कि क्या है, आंसर आपका लगेगा कि बेफालतू का आपने क्या किया हुआ है, चीजों को बस उसी तरीके से पूरा मरोड़ा हुआ है, वैसे आप आंसर नहीं लिख सकते। तो अगर आपको मैनेजमेंट का डेफिनेशन देना है तो सबसे आसान सबसे सटीक डेफिनेशन है कि मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड मेंटेनिंग एन एनवायरनमेंट इन विच इंडिविजुअल्स वर्किंग टुगेदर इन ग्रुप्स, ठीक है, एफिशिएंटली अकम्प्लिश सिलेक्टेड एम्स। अब मान लो सिलेक्टेड एम्स की जगह अगर डिजायर्ड गोल्स लिखा गया, सही हो तो कोई गलत पूरी हो जाएगा, ठीक, सही हो, गलत नहीं, ठीक है? मतलब जनरल अंडरस्टैंडिंग उसी पॉइंट पे होनी चाहिए जो आप समझाना चाह रहे हैं, कोई दिक्कत यहां तक समझने में आई? दूसरा डेफिनेशन थोड़ा लंबा है तो हम लोग सिर्फ पढ़ लेंगे, इसको डिड्यूस नहीं करेंगे, ठीक है? बोलता है मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एक्चुएटिंग एंड कंट्रोलिंग एन ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशंस इन ऑर्डर टू अचीव कोऑर्डिनेशन ऑफ द ह्यूमन एंड मटीरियल रिसोर्सेज essential in the effective and efficient attainment of objective. Okay. ठीक है, इसको हम नहीं समझाएंगे अभी फिलहाल, आगे के चैप्टर्स में ये सारी बातें आपको समझनी ही है तो अभी इसको समझाने से कोई फायदा नहीं। थर्ड डेफिनेशन देखता हूं, मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ, क्योंकि ये दोनों थोड़ा थोड़ा सिमिलर है इसीलिए मैं सीधे थर्ड डेफिनेशन पे आ गया। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ वर्किंग विथ एंड थ्रू अदर्स, इतने ही शब्द का मतलब समझ। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ वर्किंग विथ, विथ का मतलब क्या होता है, साथ, के साथ में, एंड थ्रू अदर्स और दूसरों के द्वारा, दूसरों के साथ में, दूसरों के द्वारा, बिकॉज एक आदमी सारा काम नहीं कर सकता, एक आदमी सारा वर्क परफॉर्म करने का उसके अंदर एक्सपर्टाइज अवेलेबल नहीं है। तो भाई बट ऑब्वियस सी बात हो गई कि अगर आपके पास में बहुत सारे डिफरेंट काम हैं तो उनको अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा आपको क्या करना पड़ेगा, करवाना पड़ेगा। कोई दिक्कत पूछो भाई, ठीक है? तो बोलता है मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ वर्किंग विथ एंड थ्रू अदर्स टू इफेक्टिवली अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव by efficiently using limited resources in the changing environment। और नीचे लिखा हुआ है क्रेडिटर, मतलब जो मैनेजमेंट लॉरिएट है, मैनेजमेंट स्कॉलर है, उनका नाम क्या है, क्रेडिटर। तो लोड नहीं लेना है, ठीक है? बहुत ज्यादा आदमी आपको याद रहेगा नहीं और ना बहुत ज्यादा आदमी याद करना है, ठीक है? जो मैनेजमेंट के बप्पा है उनका नाम, इसके नाम की जगह उसका नाम दे देंगे तो चलो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है? गड़बड़ हो जाएगा। देखिए हम आपको बेयर फैक्ट बताएंगे, तो भाई सर पढ़ा लिखा टीचर जो है सर जो पीछे टीचर्स को इतना याद आगे जो कॉपी चेक करेगा सर, वो अगर कॉपी नहीं होता पहले तो कॉपी होता है, बोलना सीखो तो टीचर को कोई बात नहीं, टीचर क्या करेगा नहीं करेगा वो अलग बात है, ठीक है? अगर कोशिश कर पहले ही दिन से अगर आप निगेटिव अप्रोच से चलिए तो मामला गड़बड़ है। पहले दिन से पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं, कम से कम यहाँ तो पॉजिटिव सर जाने दीजिए, पढ़ा लिखा हुआ नहीं है। तो दो वर्ड है जो आपको समझाना है, यहाँ पे इसने दो वर्ड यूज किया, पहला वर्ड यूज किया इफेक्टिवली और फिर यहाँ दूसरा वर्ड यूज किया एफिशिएंटली, ठीक है? इफेक्टिव और एफिशिएंट, सबसे पहला क्वेश्चन इस चैप्टर का आपका यही बनता है कि एफिशिएंट और इफेक्टिव में क्या फर्क है। हम आपको दो कहानी सुनाते हैं, नहीं पता है आपको मत बताइए, ठीक है? नहीं हमको पता है कि आपको किसी को नहीं पता होगा, एकदम लिटरल डिफरेंस नहीं पता होगा। हम आपको दो कहानी सुनाते हैं, आप समझ जाएंगे। मैंने आपको 10 क्वेश्चन होमवर्क में दिया किसी भी सब्जेक्ट, ठीक है, मान लिया, और मैंने आपको बोला
कि इसमें से एक भी गलती नहीं होनी चाहिए। अगले दिन छुट्टी जब हम कंसेप्ट समझा रहे हैं आप बीच में बिल्कुल नहीं बोलेंगे, ठीक है ना, उसके बाद हम आपको बहुत मौका देंगे बोलने का, तब फिर आप नहीं बोलेंगे। मैंने आपको 10 क्वेश्चन दिया, मैंने बोला कि ये 10 क्वेश्चन बनाना है, गलती नहीं होनी चाहिए, और आप अगले दिन 10 क्वेश्चन सही सही पूरे फॉर्मेट से बना के ले आए, यू आर वेरी मच इफेक्टिव बिकॉज यू हैव कंप्लीटेड द असाइंड टास्क। असाइंड का मतलब दिया हुआ, टास्क मतलब काम, काम कार्य, ठीक है। अब आप सोच रहे हैं कि सर शाबाशी, हमने 10 क्वेश्चन पूरे प्रॉपर नीटनेस से फुल फॉर्मेट से सही सही बनाया है, ठीक है सर, चॉकलेट खिलाएंगे। आप इफेक्टिव हैं, इफेक्टिव। फिर मैंने पूछा कि बेटा इसको बनाने में कितना टाइम लगा, आपने बोला सर क्या कहें कल पूरे रात नहीं सोए, मतलब आपने 12 घंटे जग के 10 क्वेश्चन बनाया, जबकि उस क्वेश्चन को बनाने में स्टैंडर्ड आवर लगना चाहिए था 4 घंटे, मतलब सही सही फॉर्मेट के साथ वो क्वेश्चन 4 घंटे में बन जाना चाहिए था, ठीक है। आप इफेक्टिव हैं बिकॉज यू हैव कंप्लीटेड द टास्क नीटली प्रॉपरली करेक्टली एज पर द डिजायर्ड स्पेसिफिकेशन। क्या यहां तक बात समझ में आ रही है? आप इफेक्टिव हैं, यू आर वेरी मच इफेक्टिव बिकॉज यू हैव कंप्लीटेड द टास्क। बात यही नहीं रुकती है, ठीक है। मैनेजमेंट में बात सिर्फ इफेक्टिव होने तक नहीं होती है, आपको उसके साथ में एफिशिएंट भी होना पड़ेगा, और एफिशिएंट कहता है टू डू द डिजायर्ड टास्क एज पर द डिजायर्ड स्पेसिफिकेशन विद इन द लीस्ट टाइम अवेलेबल इन ऑर्डर टू कट द कॉस्ट। क्योंकि अगर एक व्यक्ति को कहा जाए कि आपको 10 पीस सामान बनाना है और वो पूरे दिन लग करके 10 पीस सामान बनाए, तो भाई साहब तो पता चलेगा कि 10 पूरे दिन की मजदूरी में वो सिर्फ कितना बना पाएगा, 10 तो वो इफेक्टिव तो है लेकिन एफिशिएंट नहीं है। इसीलिए आपको हमेशा रिसोर्सेज का कंस्ट्रेन भी देखना पड़ेगा, मतलब लिमिटेड टाइम में लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ में जो सबसे बेस्ट परफॉर्म कर रहा है उसके साथ दो एडजेक्टिव जोड़ेंगे। एडजेक्टिव समझते हैं ना सब बच्चे, ठीक है, दो एडजेक्टिव जोड़ेंगे। पहला ऑब्जेक्टिव होगा उसके साथ में इफेक्टिव, बिकॉज दैट पर्सन हैज मेड द थिंग्स एज पर द स्पेसिफिकेशन, और दूसरा वर्ड जोड़ेंगे एफिशिएंट, बिकॉज दैट पर्सन हैज डन द थिंग विद इन द स्पेसिफाइड टाइम एज पर द स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर काम करना हो, एक डिजायर्ड स्टैंडर्ड टाइम पीरियड के अंदर काम पूरा किया गया हो। जी सर, आप तो बोल रहे हैं जैसे कि अगले दिन चेक करेंगे, तो उसमें सर टाइम पीरियड क्या, अगले दिन तो हम बना के ले ही आए ना? नहीं तो बना के ले ही चले आए, ठीक है, अच्छी बात है। अगर इसको प्रॉपर बिजनेस आवर या बिजनेस किट मेथोडोलॉजी से देखा जाए, ठीक है सर, हम लोग का एम तो यही था ना कि अगले दिन तक बना देना है। हम आपको बिजनेस की मॉडल से समझा रहे हैं, ठीक है, हर कुछ ये एम नहीं होगा। मैंने बोला कि एक घंटे में ये काम 5 पीस प्रोडक्ट बनता है, आप 5 पीस प्रोडक्ट बनाए, बिल्कुल सही बनाए, बिल्कुल बढ़िया बनाए, ठीक है, लेकिन आपने उसकी जगह पे 3 घंटा ले लिया, बताइए क्या बिजनेस आपको कभी भी रखेगा? बिजनेस का आप पर्पस सॉल्व कर पा रहे नहीं, क्यों? क्योंकि आप इफेक्टिव हैं, आप काम अच्छा कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन आप टाइम अगर ज्यादा ले रहे हैं तो आपका पर आवर प्रोडक्शन क्या हो गया, कम हो गया, ठीक। आप यही बात कर रहे हैं, अगर आपको मैंने बोला कि 10 क्वेश्चन बनाने में आपको 5 घंटा लगना चाहिए और आप उसकी जगह 10 घंटा लगा रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी वर्किंग इफिशियंसी क्या है, आपके काम करने का जो यू कैन से जो मेथड है वो अच्छा हो सकता है, लेकिन वैसे अच्छे मेथड का क्या फायदा अगर वो आपके प्रॉफिट को क्या कर दे रहा है, ठीक है, या वो आपके एफर्ट को बढ़ा दे रहा है,
या वो आपकी नींद को खराब कर दे रहा है। ठीक है, जो चीज 5 घंटे में करके 5 घंटे की नींद ली जा सकती थी एकदम आराम से, जो स्टैंडर्ड है, अगर आपने उसको 10 घंटे में किया, इसका मतलब आप एफिशिएंट नहीं। बात समझ में? हम एग्जांपल से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और बिजनेस में हमेशा दो चीजें देखी जाती हैं, कभी भी एक चीज नहीं देखी जाती है। हमेशा हम आपको बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत तगड़ा पढ़ाते हैं, ठीक है, 17 महीने में सिलेबस कंप्लीट करेंगे, क्या ही करेंगे, तो हम इफेक्टिव तो है, एफिशिएंट है, तो क्या सर्वाइवल है? ठीक है, मार्केट विथ इफेक्टिवनेस बट विदाउट एफिशिएंसी देयर इज नो सर्वाइवल। इसीलिए हमेशा मैनेजमेंट के डेफिनेशन में दो चीजें आती है। पहली चीज बोलता है इफेक्टिवली अचीव। इफेक्टिवली अचीव का मतलब होता है जैसा होना चाहिए वैसा हुआ, ठीक है, जैसा बनना था वैसा बना। पहला, बाय एफिशिएंटली यूजिंग लिमिटेड रिसोर्सेस, एफिशिएंटली अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से यूजिंग द लिमिटेड रिसोर्सेस। अगर अच्छा बनाने में क्या ही अच्छा है कि आपने सारा का सारा रॉ मटेरियल यूज कर दिया और उसके बाद एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट बना के रेडी कर दिया, कंपनी को कोई फायदा होगा? ठीक है, मशीन आवर कहता था कि भाई साहब एक मशीन से 1 घंटे में 1000 पीस का प्रोडक्शन होगा। ठीक है, आप एक सुपरवाइजर हैं, 800 पीस प्रोडक्शन करवा रहे हैं, ठीक है, एकदम एक नंबर सटीक प्रोडक्ट आप करवा रहे हैं, स्टैंडर्ड क्वालिटी कंट्रोल एक नंबर है, लेकिन 800 पीस है, आप उस कंपनी के किसी काम करेंगे? क्यों? क्योंकि भाई 220 पर आवर कंपनी क्या जा रही है, यू आर इफेक्टिव बट यू आर नॉट एफिशिएंट। अगला पॉइंट यही पढ़ना है हम लोगों का कंसेप्ट में, ठीक है, इसीलिए हम इतना ब्रॉडली समझा रहे हैं, आगे फिर आपको पढ़ाएंगे वीडियो वाला पॉइंट। ठीक है, तो क्या बोलता है, अब फिर से एक बार डेफिनेशन को कनेक्ट करें। बोलता है मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है ऑफ वर्किंग विथ एंड थ्रू अदर्स, जिसमें एक व्यक्ति दूसरे के साथ और दूसरे के मदद से काम करता है। थ्रू का मतलब होता है दूसरे के द्वारा या दूसरे के मदद से काम करता है। कैसे काम करता है? टू एफेक्टिवली अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को, ऑब्जेक्टिव को पूरा करता है। कैसा? एफेक्टिवली मतलब अच्छे से, जैसे पूरा करना है, और उसमें जो रिसोर्सेज यूज होगा उसको कैसे यूज करता है, एफिशिएंटली। जब भी कोई एफिशिएंटली बोले ना, उसको अगर दो वर्ड में समझाना हो तो आप समझाएंगे विद द मिनिमम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज एंड टाइम। एफिशिएंटली का मतलब विद मिनिमम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज एंड टाइम। बुक की बहुत जरूरत है, बुक जब तक नहीं रहेगा आप लिख नहीं पाएंगे इन चीजों को, ठीक है, ये सारी चीजें आपके मेमोरी में याद नहीं रहेगी आपको, ठीक है। तो इफेक्टिव कोई बोले, इफेक्टिव का मतलब एज पर द स्पेसिफिकेशन, जैसा चाहिए था वैसा। एफिशिएंट कोई बोले कम से कम समय में, कम से कम रिसोर्सेज में, वैसा जैसा चाहिए था, जो बना के दे दे वही सबसे टॉप का है, टॉप खिलाड़ी है। टाइम से कम में कर दिया, टाइम से कम में कर दिया, बहुत अच्छा है, लेकिन इफेक्टिव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप इफिशियंसी के चक्कर में इफेक्टिवनेस को भूल जाए, और ऐसा भी नहीं कि आप इफेक्टिवनेस के चक्कर में एफिशिएंसी को भूल जाओ। ठीक है, देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। ठीक है, और जब तक बैलेंस नहीं होगा, ये सिर्फ पूरा का पूरा मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी का खेल है। देख लीजिए, कहीं भी किसी भी चीज में सेट कर लीजिए, हर जगह एक्यूरेसी के अंदर इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी दोनों आता है। ठीक है, विराट कोहली बहुत अच्छा स्क्वायर कट मारता है, लेकिन बॉल पास करने के बाद तो इफेक्टिवनेस के साथ में हमेशा एक चीज चिपक के चलनी चाहिए, वो है क्या, एफिशिएंसी। देन वनली मैनेजमेंट कहेगा कि भाई साहब आपका जो मैनेजमेंट है वो क्या है, प्रॉपर। ठीक है, मैनेजमेंट तभी प्रॉपर होगा जब इफेक्टिवनेस किसके साथ आएगा, एफिशिएंसी।
और जब इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी दोनों साथ में आएगी तो भाई साहब ऑर्गेनाइजेशन का गोल बट ऑब्वियस है कि अच्छे से अचीव होगा। क्लियर है यहाँ yes, समझ में आती है बात? चलो तो हम लोगों ने आज दो डेफिनेशन को डिड्यूस किया। अच्छा कल से हम डिड्यूस शब्द का मतलब डिड्यूस का मतलब समझते हैं, एलैबोरेट करके पढ़ना। डिड्यूस का मतलब होता है किसी चीज को तोड़ना, एलैबोरेट करना, दैट इज कॉल्ड डिडक्शन। आइए तो आगे हम आपको दो चीजें दिखा रहे हैं। रोक दे क्या सर? नहीं नहीं रोक नहीं। आइए आपको दिख रहा होगा एफेक्टिवनेस वर्सेस एफिशिएंसी। तो कल हम आपको समझाएंगे नहीं, कल हम इसका सिर्फ टेक्स्ट आपको रीड करेंगे। एनसीईआरटी में कोई ऐसा वर्ड तो नहीं है जो आपको समझ में नहीं आया, मोर और लेस आपको समझ में आ ही गया होगा। प्रोसेस मैंने समझा ही दिया कि प्रोसेस क्या होता है, ठीक है? तो कल एक बार हम लोग बुक से गो थ्रू करेंगे और फिर आगे इस प्रोसेस को लेकर के बढ़ेंगे। पहले चैप्टर में सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो था वो हमने डिस्कस कर लिया है। फर्स्ट चैप्टर का आपके ट्वेल्थ में बिजनेस स्टडीज के अंदर जो पहला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है प्रोसेस, दूसरा एफेक्टिवनेस, तीसरा एफिशिएंसी। मतलब पहला क्वेश्चन अगर पहला क्वेश्चन बनेगा तो यहीं से बनेगा कि भाई साहब एफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी में क्या फर्क होता है। विद एफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी गो टुगेदर, विद एफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। बहुत सारे तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हम लोग किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये भी आपको ऊपर नीचे लिखवा देंगे हर पेज पे कि इस पेज से अगर कोई क्वेश्चन बनेगा तो वो क्या क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा बाहर क्या जाएगा, इससे बाहर क्या जाएगा, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। हाँ, बशर्ते आप इन चीजों को रेगुलर पढ़ते रहें। ये सब चीजें ऐसी हैं जो आपको रेगुलर पढ़ना होगा, वरना आप इमेजिन कीजिए आज कितनी तारीख है, आज है 4 मार्च, ठीक है? ऑलमोस्ट ऑन एंड अराउंड 1 साल बाद इसी दिन आप पेपर में बैठे होंगे, क्योंकि 3 या 4 मार्च को आपका पेपर स्टार्ट होगा अगर सब कुछ नॉर्मल रहा तो, ठीक है? तो भाई 1 साल बाद अगर जिस चीज को आपको लिखना है वो हम अगर आपको 1 साल पहले पढ़ा रहे हैं तो हमको नहीं लगता है किसी का बुद्धि इतना तेज होगा कि उसको 1 साल तक याद रहेगा, ठीक है? तो डाउन द मेमोरी लाइन जब आप किताब खोलेंगे तो किताब में ये सारी बातें आपकी लिखी हुई होनी चाहिए, ठीक है? पेन से लिखा हुआ चीज का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, ठीक है? जब तक आप कॉपी पर पेन से नहीं लिखेंगे नेक्स्ट टाइम में आपको उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी जितनी मेहनत आज करनी पड़ेगी। हाईलाइट भी तो कर सकते हैं, आप हाईलाइट कीजिए जो हम आपको लिखवा रहे हैं उसको आप बुक में लिखिए, जो वर्ड आपको नहीं समझ में आ रहा है उसको हम आपको लिखवाएंगे, ठीक है? बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी लेकिन इसके लिए आपके पास में किताब होनी चाहिए, ठीक है? और ये कोई बहुत भारी भरकम किताब नहीं है, 80-100 रुपए की मार्केट में मिलती है। जो बच्चे नजदीक के हैं वो जेनिथ पेट्रोल पंप से बगल में ले सकते हैं, वहां पे किताब की दुकान है। जो बच्चे मार्केट के हैं वो बच्चे मार्केट से ले सकते हैं, ठीक है? और तत्काल अगर आपको लगता है, क्योंकि देखो एनसीईआरटी की किताब को प्रिंट कराने में फायदा नहीं है, चैप्टर बाय चैप्टर महंगा पड़ जाएगा आपको, ठीक है? आप 2021 का एडिशन ले लीजिए, एनसीईआरटी का एडिशन रिप्रिंट नहीं होता है, ठीक है? एनसीईआरटी का एडिशन रिप्रिंट नहीं होता। हाँ,